उदयपुर जिले की वल्लभ नगर तहसील के कानोड में स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इन ड्रिप चढ़ाने वाला आईवी सेट नहीं होने के चलते यहां आने वाले रोगियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहां आने वाले मरीजों के परिजन खुद अपने खर्चे से बाजार से मेडिकल स्टोर से आईवी सेट खरीद कर ला रहे हैं, जिससे मरीज और उनके रिश्तेदार खासे परेशान हो चुके हैं। इस मामले को लेकर बजरंग सेना सुप्रीमो बजरंग दास वैष्णव ने जब आईवी सेट को लेकर आ रही कमी के बारे में अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आर के सीओ से बात की तो उनका सीधा सा जवाब था कि आगे से नहीं आ रहे हैं, ऐसे में हम कहां से व्यवस्था करें। सीओ के मुताबिक 3 दिन पहले 500 आईवी सेट आए थे, उसमें से 50 आईवी सेट लेबर रूम के लिए, 50 आईवी सेट इमरजेंसी के लिए और 50 आईवी सेट गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए, लेकिन बाकी के आईवी सेट कहाँ और किसको दिए गए इसको लेकर कोई भी संतोषप्रद जवाब प्रभारी नहीं दे पाए। स्थानीय लोगों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के मुताबिक 1 महीने से हॉस्पिटल परिसर में आईवी सेट नहीं है, जिसके कारण बीमार रोगी चिरंजीवी योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वही स्टोर कीपर चक्रपाणी पांडे का कहना है कि आईवी सेट के लिए उदयपुर अलग से गाड़ी भेजना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अस्पताल में गाड़ियों की व्यवस्था भी नहीं है। बजरंग सेना के सुप्रीमो ने इन अव्यवस्थाओं को लेकर कहा कि अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आया तो हम इसके लिए लाइट धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की होगी। इस मौके पर बजरंग दास वैष्णव, पूर्व पार्षद कमल कामरिया और जगदीश मेघवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे।